Very good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Today I am presenting Math subject for Standard 5th, Chapter 11, Area and its Boundary, Part 5. बच्चों, previous part में हमने exercise discuss की थी. अभी chapter का last part हम discuss करेंगे. So let's start. तो बच्चों, chapter का last part देखने के लिए आप पढ़ने के लिए 157 पेज नंबर ओपन कीजिए. नाउ किंग स्टोरी में क्या है वो आज हम पढ़ेंगे. किंग स्टोरी. द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द कारपेंटर चेंगू एंड अना. दे हैड मेड अ वेरी बिग ब्यूटीफुल बेड फॉर हिम. चेंगू एंड अना ने किंग के लिए बहुत ही मस्त ब्यूटीफुल बेड बनाया, इसलिए राजा हैप्पी हो गए. एंड सो एज गिव द किंग वांटेड टू गिव सम लैंड टू चेंगू एंड सम गोल्ड टू अनार. चेंगू को कुछ लैंड गिफ्ट करना चाहते हैं एंड अनार को गोल्ड देना चाहते हैं. तो चेंगू मेक चेंगू टेक एज मच एज लैंड वॉट कम्स विद इन 100 मीटर्स ऑफ वायर. दैट मीन्स आपको पेरीमीटर दे दिया है ना. पेरीमीटर 100 मीटर होना चाहिए. ओके, एंड 100 मीटर में जितना भी एरिया कवर होता है तो उतनी लैंड उसको मिलेंगी. Got it? देखते. Chengu was happy. वो खुश हो गया. He took 100 meter of wire and tried to make different rectangle. Different rectangle बनाने लगा. He made first rectangle उसने कितना बनाया? 10 meter and 40 meter. Right? तो उसका area कितना हुआ? 400. फिर next rectangle बनाया. तो उसमें 20 एंड 30 का रेक्टेंगल बनाया, 30 मीटर का. तो एरिया कितना आया? 20 इंटू 30, दैट मीन्स 600 स्क्वायर मीटर. बराबर 600 स्क्वायर मीटर, दैट मीन्स व्हाट इज एरिया? तो इट्स अ 600 स्क्वायर मीटर. Is it more than first rectangle? Yes, of course. 600 से भी 600 से 400 से ज़्यादा 600 तो है. What other rectangle can he make with 100 meters of wire? Discuss which of these rectangle will have biggest area. तो बच्चों, उसकी possibilities क्या क्या होगी चलो देख लेते हैं. और उसमें सबसे बड़ा एरिया कौन सा कवर होगा? लेट्स ट्राई. सो तो बच्चों, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है, ये 5 मीटर ले लिया विड्थ, है ना. 5 मीटर विड्थ ले लिया तो 5 और 5 10 हो जाएंगे, है ना. हमको कितना पेरीमीटर पता है? 100. 100 में से 10 गेन, दैट मींस 90. तो यहाँ पे क्या आएगा? 45 मीटर एंड 45 मीटर, इट बिकम्स 90. गॉट इट बच्चों? तो ये 100 मीटर का ये रेक्टेंगल हो गया. अभी इसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट मीन्स लेंथ इंटू विड्थ. लेंथ कितनी है बच्चों? 45. एंड विड्थ कितनी है? 5. तो क्या होगा आंसर? क्या आएगा? 5 5 25 कैरी 2, 5 4 20 प्लस 2 22 स्क्वायर मीटर. तो ये तो स्क्वायर मीटर, ये तो 400 से भी कम हो गया. नाउ नेक्स्ट रेक्टेंगल ट्राई करते हैं. नेक्स्ट रेक्टेंगल में देखो बच्चों, उसने 5 का देख लिया, 10 का देख लिया, 20 का देख लिया. तो हम 15 मीटर्स का देख लेते हैं. 15 मीटर्स, तो ये भी 15 मीटर्स होगा. तो 15 पर 15 30, तो दीज आर कितने हो गए? यस, 35 मीटर
एंड 35 मीटर, दैट मीन्स इट बिकम्स 70 एंड 30, तो टोटल पेरीमीटर हुआ 100 मीटर। तो ये रेक्टेंगल में लेंथ कितनी होगी बच्चों, लेंथ एंड विड्थ उसका एरिया अभी देखते हैं। लेंथ एंड विड्थ में उसका 35 × 15 है ना, 35 × 15 किया तो क्या आंसर आएगा? तो बच्चों 15 पैसा कितना होता है? यस 75। तो वी कैन राइट हियर 5 and carry 7। 15 × 3 कितना होता है? 45। 45 + 7 कितना होगा? 52। दैट मीन्स 52 525 square meter, तो वो तो 600 से भी कम हुआ। तो अभी लास्ट एक हमारा बचा हुआ है, क्या होगा? अभी 25 है ना, ये 25 तो ये 25, इट बिकम्स 50 और 25 और 25, दैट मीन्स इट बिकम स्क्वायर हो गया बच्चों। यस yes. तो स्क्वायर के एरिया क्या है? साइड इनटू साइड, दैट मीन्स 25 × 25, इट बिकम्स यस कितना होगा? 625 स्क्वायर मीटर। सो सबसे ज्यादा एरिया कौन करेगा? यस दिस स्क्वायर। तो जब वो स्क्वायर शेप लेगा तो इट कवर्स मैक्सिमम साइज 625 स्क्वायर मीटर। गॉट इट बच्चों? फिर आगे क्या करते हैं देखते हैं वो लोग। अमी ये ट्रायंगल तो अरे स्क्वायर से सिक्स मैक्सिमम कितना स्क्वायर कवर होता है? 625 स्क्वायर मीटर। तब उसकी वाइफ उसको सजेस्ट करती है, आई वांट दिस पीस ऑफ लैंड, इट कवर्स एन एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर। सो चंगुज वाइफ आस्क हिम टू मेक अ सर्कल विद द वायर। शी न्यू इट हैड एन एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर। फिर उन्होंने सर्कल बनाया, तो सर्कल से 800 स्क्वायर मीटर ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर हुआ है ना। सो व्हाई डिड द चेंगू नॉट चूज अ रेक्टेंगल, क्योंकि उसमें मिनिमम कितने स्क्वायर मीटर मिल रहा था उसको? यस 600 स्क्वायर मीटर है ना, इसलिए उसने कम लैंड मिल रही थी इसलिए उसने वो चूज नहीं किया। ही सिलेक्ट सर्कल पार्ट। फिर उसमें किंग ने क्या बोला? ओके चेंगू हैज टेकन 800 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड एंड अनार, अभी अनार की बारी आती है। नाउ आई विल गिव यू एज मच गोल्ड वायर विच कैन मेक अ बाउंड्री फॉर लैंड एरिया, जिसका एरिया 800 स्क्वायर मीटर होगा उसकी जो पेरीमीटर होगी ना उतना, उसके पेरीमीटर जितना उसको गोल्ड वायर मिलेगा। गॉट इट बच्चों? किंग ने अनार को क्या बोला? 800 स्क्वायर मीटर इतना एरिया है ना, और उसकी बाउंड्री जो भी होगी तो वो बाउंड्री जितनी गोल्ड उसको मिलेगा। तो अभी अनार क्या करता है देखते आगे। सो अनार ऑल्सो ट्राइड मेनी डिफरेंट वेज टू मेक अ बाउंड्री फॉर 800 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड। ही मेड रेक्टेंगल ए बी एंड सी डिफरेंट साइजेस, फाइंड आउट इट्स लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ईच, हाउ मच गोल्ड विल ही गेट सो दिस रेक्टेंगल्स। तो चलो बच्चों देखो स्टार्ट करते हैं। 40 by 20 उसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है? यस 2 into लेंथ प्लस
विड्थ, है ना। तो फर्स्ट रेक्टेंगल की कितना होगा, देखो 40 + 20 दैट मीन्स 60, 62 कितना होता है, यस 62 = 120। मीटर, 120 मीटर जितना उसको मिलेगा। मीटर गोल्ड ए ए में से उसको 120 मीटर मिलेगा, बट वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो अभी वो क्या करेगा, नेक्स्ट करेगा 80 + 10 (2 × L + width) (length + width) × 2 हो गया। तो 80 + 10 दैट मीन्स 90, 90 × 2 कितना होता है, यस 180 मीटर। इससे उसको क्या मिलेगा, 180 मीटर, इससे 120 मीटर, है ना। फिर आगे कितना होता है, सी 801 into 2 करेंगे, 2 × 801, तो वो कितना होगा, 2 × 1 = 2, 2 × 0 = 2, 8 = 16, तो 1602 मीटर होगा, है ना। यहाँ पे तो 180 मीटर ही होगा, यहाँ पे 120 मीटर ही हुआ, है ना, तो वो उससे ज़्यादा हो रहा है। फिर अनार ने क्या किया, यस बट देन अनार मेड अ इवन लॉन्गर रेक्टेंगल, सी हाउ लॉन्ग, और भी बड़ा रेक्टेंगल उसने बनाया। कैसे बनाया, तो देखो 8000 मीटर × 0.0 मीटर, तो 8000 मीटर, अभी ये दोनों की एडिशन करेंगे तो हमको क्या आंसर मिलेगा, 8000.1, है ना, 0.1। अभी इसको 2 times किया तो बच्चों कितना मिलेगा, यस 2 × 2 = 0.000 and 16, है ना, 2 × 16, तो टोटल कितना हो जाएगा, 16000.2 मीटर हो जाएगा। दैट मीन्स कितना बर्ड, कितना सारा गोल्ड हो गया वो, है ना। तो अभी राजा को आए चक्कर, होश, हाउ कैन आई गिव सो मच गोल्ड नाउ, डू यू अंडरस्टैंड व्हाई द किंग्स फेंटेड, क्यों चक्कर आए, इट्स वेरी 16000 मीटर, दैट मीन्स कितना गोल्ड होता है बच्चों, है ना, इट्स कैलकुलेट कितना सारा होता है। तो बच्चों मज़ा आया, यहाँ पे हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय।